बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। चलिए दोस्तों, रमज़ान का आखिरी असरा चल रहा है और ये रेसिपी जब मैं बना रही थी, उस 26वां रोज़ा और 27वीं शब थी। तो भाई 27वीं शब के रोज़ वैसे ही बहुत बिज़ी रहते हैं, पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा रहता है, वैसे भी रमज़ान में इबादत ज़्यादा रहती है। और आम दिनों के मुताबिक रमज़ान में, और फिर 27वीं शब को तो पूरी रात ही रहता है कि अब मोमिन का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत में जाए। तो यही सब था, इसके कारण मेरे ये वीडियो डालने में मैं लेट हो गई, नेक्स्ट डे मैं डाल नहीं सकी, और इसीलिए मैं इसको, थोड़ा सा काम मेरा रह गया था तो मैं इसको अब आज डाल रही हूँ। देखिए, इसके लिए मैंने एक बाउल में साबूदाने लिए हैं और ये मैं तैयार फालूदे का पैकेट बाज़ार से लाई थी। मैंने सोचा कि आज इसी के साथ आप अपन बनाएं, तो मैं तैयार फालूदा का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो घर में भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने एक बाउल में साबूदाना ले लिया है और इसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको भीगने के लिए रख दूँगी। थोड़ी देर जब वो भीग जाएगा ना, 1 से 1.5 घंटे, तो जितना अपन ने, जैसे मैंने एक कटोरी से थोड़े से कम लिए हैं साबूदाने, तो उसके साथ में उसका 2 गुना 3 गुना 3 गुना ज़्यादा पानी डालूँगी और इसको बॉईल होने के लिए साबूदानों को इसमें डाल दूँगी। साबूदाना जब तक अपन को बॉईल करना है, जब तक ये पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाए, जब तक इसको अपन को उबालना है। और यहीं पर मैंने दूसरी तपेली में दूध ले लिया है, ये देखिए 1 लीटर के करीब दूध है। तो ये मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, फुल फैट। और वैसे तो मैंने जो बाज़ार का फालूदा का पैकेट मैं यूज़ कर रही हूँ, उसमें भी सब्ज़ा बीज तो डले हुए आए हैं, पर मैं अलग से एक्स्ट्रा भी थोड़े से भिगो के रख रही हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर जब दूध गर्म हो गया था ना, तो मैंने वो जो तैयार मेरे पैकेट था फालूदे का, वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसको 5 से 10 मिनट तक इसको अच्छे से पकने दूँगी इस तरह से। और वैसे तो क्या है, तैयार पैकेट में शक्कर भी मिली भी आती है, पर थोड़ा सा मीठा मुझे चाहिए था ज़्यादा, तो मैंने उसमें शक्कर थोड़ी सी ऐड करी है। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप नहीं डालें, उसको स्किप कर दें, वैसे भी बहुत अच्छा बनेगा ये। ये देखिए, ये पूरी तरह से अच्छे से बन गया है। और इधर मेरा साबूदाना भी देखिए, थोड़ी सी कसर इसमें दिख रही है, तो मैं इसको थोड़ी देर और बॉयल होने दूँगी। यहाँ देखिए, ये देखिए, अब ये अपना अच्छा सा बॉईल हो गया है, ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो मैंने इसको छान लिया है और बिल्कुल ठंडा चिल्ड पानी है जिस जो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, ताकि साबुदाना क्या बहुत जल्दी चिपकने लगता है, तो इससे ये एक जल्दी ठंडा भी हो जाएगा और एक दूसरे से चिपकेगा नहीं। यहाँ पर मेरा फालूदे वाला दूध तैयार हो गया, देखिए ये भी। तो इसको भी मैं इसके अंदर थोड़ी सी जो, अब इसके अंदर जो अपन ने ठंडा हो गया ना मेरा साबूदाना, तो मैं उसको भी डाल दूँगी इसके अंदर। थोड़ी सी देर में इसको पका लूँगी इसके अंदर डाल के, ताकि और अच्छे से, अगर थोड़ा सा इसमें कुछ कसर रह गई हो तो वो भी अच्छे से पक जाए। आप चाहो तो डायरेक्ट भी ठंडा करके भी मिला सकते हो साबूदाना, पर मैं इसको थोड़ी सी देर और पका रही हूँ, ताकि अपने डालने के बाद भी ये कहीं से भी चिपके ना फालूदे में। ये देखिए, ये इस तरह से ये मैंने डाल दिया है और ये बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मिल गई हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी क्या है, काजू बादाम और किशमिश भी ऐड करूँगी। आप अपने मनपसंद के जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं डाल सकते हैं। ये मैंने इसे चॉप करके रख दिए थे और इनको मैंने डाल दिया है। मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी पहले ही भिगो दिए थे, ये भीगे हुए ही मैं डाल रही हूँ, थोड़ी देर भिगो दिए थे मैंने। आप देखिए, ये तैयार हो गया है, तो मैंने इसको बंद कर दिया और इसको पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दूँगी और बाद में इसको फ्रिज में रखूँगी। तो देखिए, ये अब अच्छे से ठंडा हो गया है, बहुत अच्छे से। ये मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो बाहर कुछ आवाज़ें होने लगी थी, वो भी साथ में इसके रिकॉर्ड हो गई हैं।
और ये देखिए यहाँ बहुत अच्छे से ये ठंडा हो चुका है और मैं इसको सर्व करने के लिए तैयार कर रही हूँ। तो मैंने पहले पालक देखो डाला और अलग से जो मैंने सब्जा बीज डाले थे ना, क्योंकि गर्मी का मौसम भी और फिर रोज़े रख रहे हैं तो सब्ज़ा के बीज बहुत अच्छे रहते हैं, पेट की गर्मी और रोज़े की जो गर्मी रहती है ना, तो इसके लिए किसी न किसी रूप में सब्ज़ा बीज को ज़रूर अपने खाने में ऐड करना चाहिए। और यहाँ पर मैंने आइसक्रीम का भी यूज़ करा है, वो भी डाली है। तो भाई मेरे तो सारे ही रोज़दार बहुत खुश हो गए थे इस फालूदे को खा के, सब ने बहुत पसंद करा। और अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत ही प्यारे प्यारे से कॉमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। आपके कॉमेंट करने से मुझे मोटिवेट होती हूँ मैं, और फिर और भी अच्छी आप नई नई ऐसी ही वीडियो लाने का मेरा मन करता है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा कीजिए। तो अब जो है कि दो ही रोज़े बचे हैं, हमारे जो मेहमान आए थे रमज़ान वो अलविदा हो रहे हैं, और अल्लाह ताला इस महीने में अपनी बरकत और रहमतों से नवाजता है अपने बंदों को, और जितने भी गम होते हैं उन गमों से अल्लाह सब्र देता है और गमों को भुलाता है इस महीने में। और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे अम्मी पापा की मगफ़रत करे और उन्हें जन्नत फिरदौस में आला सला मकाम अता करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।